हेलो एवरीवन, आज हम लेबनम टॉप जो कि पोएम नंबर 2 है हॉर्नबिल बुक की, जिसके हमें डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग आज करना है एंड क्वेश्चन आंसर भी हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेबनम, अ शॉर्ट ट्री हैविंग ब्रांचेस येलो फ्लावर्स, अमलतास का वृक्ष। गोल्ड फिंच, a small singing bird with yellow feathers on its wings, एक छोटा गाने वाला पक्षी जिसके पंखों के पीछे गुच्छे होते हैं। ट्विच, a pull or jerk, धक्का या झटका। चिरप, make a short sharp sound, चहचहाना। sleek, smooth, glossy, चिकना या चमकीला। lizard, four-legged reptile, छिपकली। drummer, a fit of trembling means कंपन। ट्रिल, a quavering sound, कंपित आवाज। स्टॉक, to fuel the fire, आग में ईंधन झोंकना। लॉन्च, get going, उड़ जाना। subside, sink to lower level, नीचे उतर जाना। Now student textual exercises में हम find out करते हैं। Question number 1 है, what labanum is called in your language? आपकी भाषा में labanum को क्या कहा जाता है? Answer, it is called amaltas in Hindi. इसे हिंदी में अमलतास कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, विच लोकल वर्ड इज लाइक द गोल्ड फिंच, कौन सा स्थानीय पक्षी गोल्ड फिंच की तरह है? आंसर, इंडियन ल्यूटिनो रिंगनेक इज अ लोकल बर्ड लाइक गोल्ड फिंच। इंडियन ल्यूटिनो रिंगनेक एक स्थानीय पक्षी है गोल्ड फिंच की तरह। थिंक इट आउट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द बिगनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द पोयम, कविता की शुरुआत और अंत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आंसर, The trees calm and silent. The trees calm and silent in the beginning and in the end it's with motionless and empty level. पेड़ शुरुआत में स्थिर और शांत होता है और अंत में यह गतिहीन और खाली स्तर के साथ समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 2, टू व्हाट इज द वर्ड्स मूवमेंट कंपेयर्ड, व्हाट इज द बेसिस ऑफ द कंपैरिजन, पक्षियों की चाल की तुलना किससे की जाती है, तुलना का आधार क्या है? द बर्ड्स मूवमेंट इज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ अ लिजार्ड, द बेसिस ऑफ द कंपैरिजन इज द sleek, abrupt and alert movement of a lizard. The bird's movement are the same when it arrives on the labanum tree. चिड़िया की चाल की तुलना छिपकली से की गई है। तुलना का आधार छिपकली की चिकनी, आकस्मिक और सतर्क चाल है। अमलतास के पेड़ पर आने पर पक्षी की चाल समान होती है।
क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई इज द इमेज ऑफ द इंजन इवोक्ड बाय द पोएट? कवि द्वारा इंजन की छवि क्यों निकाली गई है? आंसर, द इंजन इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी टू रन अ मशीन. द बर्ड इज टू अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर इट्स फैमिली. विदाउट द बर्ड्स इट्स फैमिली कांट सर्वाइव. एज विदाउट द इंजन द मशीन कांट वर्क. मशीन को चलाने के लिए इंजन ऊर्जा का एक स्रोत है. यह पक्षी भी उसके परिवार के लिए ऊर्जा का एक स्रोत है. पक्षी के बिना उसका परिवार जीवित नहीं रह सकता, जैसे कि इंजन के बिना मशीन काम नहीं कर सकती. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट द पोयम? कविता के बारे में आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? आंसर, आई लाइक द सिंप्लिसिटी ऑफ द पोयम. इट्स प्रेजेंटेशन इज वेरी पिक्टोरियल एंड द वे द पोएट कंपेयर्ड द बर्ड्स मूवमेंट्स विथ लिजार्ड एंड इंजन दैट मेड इट वेरी इंटरेस्टिंग. मुझे कविता का सरलता पसंद है. यह प्रस्तुति बहुत चित्रात्मक है और जिस तरह से कवि ने छिपकली और इंजन के साथ पक्षी की चाल की तुलना की, उससे इसे बहुत दिलचस्प बना दिया. क्वेश्चन नंबर 5, What does the phrase her bird face identity mask mean? Her bird face identity mask वाक्यांश का क्या अर्थ है? Answer, it means that the bird's bird or covered face becomes her identity mask recognition. इसका मतलब है कि पक्षी का वर्जित या ढका चेहरा उसके अस्तित्व की पहचान का मुखौटा बन जाता है. Note down, first the sound words, second the movement words, third the dominant colors in the poem. कविता में प्रस्तुत sound words, movement words and dominant color लिखिए. Answer, first का answer है, इसमें word आएंगे chirrup, चिटरिंग, विस्परिंग, ट्रिलिंग्स. सेकंड, मूवमेंट वर्ड्स में आएंगे एंटर, ट्रमर, स्ट्रोक्स, फ्लर्ट्स, लॉन्चेस. थर्ड, डोमिनेंट कलर इन द पोएम. द डोमिनेंट कलर इन द पोएम इज येलो.